78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आकाशवाणी शिमला द्वारा गेटी थिएटर में लोक संगीत सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के नामी गायकों ने लोक गीतों की प्रस्तुतियां देकर लोगों का खूब मनोरंजन किया। कार्यक्रम में आकाशवाणी व दूरदर्शन केंद्र शिमला के क्लस्टर हेड गुरविंदर सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आकाशवाणी देश का एकमात्र ऐसा लोक संचार प्रसारक है जिसका लक्ष्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को देश के कोने कोने में स्थित हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। आकाशवाणी देश का एकमात्र लोक सेवा प्रसारक है तथा हमारा उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को जन जन तक पहुँचाना है। आकाशवाणी और श्रोताओं का रिश्ता बहुत पुराना है। आपके विश्वास पर खरा उतरने का हमने हमेशा प्रयास किया है। आकाशवाणी के कार्यक्रम न केवल रेडियो सेट बल्कि अन्य माध्यमों जैसे डीटीएच, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश और विदेशों में सुने जा सकते हैं। वहीं आकाशवाणी शिमला के कार्यक्रम प्रमुख अनिल वर्मा ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में आकाशवाणी द्वारा इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आकाशवाणी शिमला की गांव गांव तक पहुंच और विश्वसनीयता है और इसमें लोक कलाकारों का अहम योगदान है। आकाशवाणी सबसे सुदृढ़ एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और हिमाचल की अगर हम बात करें तो यहाँ सारे गाँव में, दूर दराज क्षेत्रों में रेडियो की बहुत आजकल सुना जाता है। ये आकाशवाणी महानिदेशालय का एक प्रयास था कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर एक लोक संगीत सभा का आयोजन किया जाए जो कि पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश में आज राजधानी शिमला में आकाशवाणी शिमला को ये अवसर प्रदान किया गया कि इस लोकसभा को हम आयोजित करें। जो प्रसिद्ध कलाकार हैं हमारे जो प्रदेश के, उनको आज हमने आमंत्रित किया और इसमें गाने का आज हमने उनको अवसर दिया है और इस इन्हीं कलाकारों की वजह से मैं समझता हूँ कि आकाशवाणी की जो है जो पहुँच है और जो उनकी हमारी विश्वसनीयता है और जो हमारे वहाँ पे जो लोग सुनते हैं वो इन्हीं कलाकारों की और हमारे जो श्रोता इनको मानते हैं, आकाशवाणी सुदृढ़ उसी कारण रहता है।